नमस्कार, क्या कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान। आज हम आप पहुंचे हैं इसी कड़ी में टोंक में। टोंक वो शहर जो नजाकत का शहर है, जो नफासत का शहर है, वो शहर जो अदब का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। और यहां हम वोटर को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ का वोटर क्या सोचता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वो बाजार है जो काफिला बाजार कहलाता है। काफिला बाजार मतलब जहाँ पर लगभग 8 बजे के बाद, शाम को 8 बजे के बाद महफिल जमना शुरू हो जाती है। लोग अलग अलग ग्रुप्स में बैठते हैं, चर्चाओं का दौर चलता है, चायों का दौर चलता है। और अभी हम लोग एक ऐसी दुकान पर आकर पहुँचे हैं जहाँ की चाय अपने आप में बहुत फेमस है, जो टोंक में अपना एक विशेष स्थान रखती है। आपसे जानेंगे, आप लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं अभी? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। हमारा कांग्रेस सरकार बननी जा रही है, अगला आने वाला सरकार भी कांग्रेस की ही बनेगी। क्यों चाहते हैं आप कांग्रेस सरकार क्यों बने? चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत वो देती है, सेफ्टी देती है। बीजेपी जो है कोई काम नहीं करती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कांग्रेस खूब करती है काम। हमारे पायलट जी जीत के गए यहाँ से, और हम चाहेंगे जो कैंडिडेट उतारेंगे उसको भी हम जिता के भेजेंगे यहाँ से। कहना है कि जो कैंडिडेट यहाँ उतारा जाएगा वो जीत कर जाएगा, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये वोट देंगे। चलिए, एक नब्ज हमने टटोली, और भी नब्ज हम टटोलेंगे जो काफिला बाजार में है। और मैं अपने कैमरामैन घनश्याम से कहूँगा कि थोड़ा सावधानी के साथ इधर से पहुँचें, और हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टोंक का मिजाज क्या है, क्या सोचता है टोंक। एक यूथ साथी हमारे साथ हैं, युवा साथी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव अभी आ रहे हैं, कैसा कार्यकाल मोदी का रहा और आगे क्या देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव में हमें अपना हमारा स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, और बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय काम हुआ है यहाँ पर, जो अपने टोंक सिटी पे नगर परिषद में जो विकास हुए। लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव में देखना है कि किस स्थिति में होता है, क्या है, किसको जिताने के सोचेंगे। दो मुख्य पार्टियां मैदान में, कांग्रेस और बीजेपी रहती है। बीजेपी का ही ज़्यादा है कि हमारे क्या है कि बीजेपी के बहुत अच्छे अच्छे काम हुए इस तरह के, बहुत ऊंची। चलिए, ये कहते हैं कि बीजेपी को जिताएंगे, और लोग जो कह रहे हैं वो कांग्रेस को जिताएंगे। क्या क्या और कुछ कहना है लोगों का? मैं साथी कैमरामैन से कहूँगा कि आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए, ये इस तरह से लोग ग्रुप्स में यहाँ पर बैठकर चर्चाएं करते हैं, और विश्व स्तर की चर्चाएं होती है। क्या कुछ नया हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, उन तमाम बातों पर, उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। आपसे जानेंगे, लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक हैं, 5 साल का कार्यकाल अभी मोदी का रहा, किस तरह से आप देखते हैं पूरा सीनेरियो जो है? ये जी, आगे पब्लिक कुछ घुटन सी महसूस कर रही थी कुछ टाइम से, अब बहुत सुकून में है वातावरण। लोकसभा में क्या दिख रहे हैं? लोकसभा में ये है कि तो उसी को चुनेंगे जिसको पहले चुना, उसी पार्टी को चुनेंगे जिसको चुनेंगे, जो भी कांग्रेस से खड़ा होगा कैंडिडेट। चलिए, इनका कहना है कांग्रेस से चुनेंगे, आप क्या देख रहे हैं चाचा? हम तो ये देख रहे हैं जी, शांति मिले, सबके वातावरण सही चले, काम धंधे है नहीं, सब मजदूर पार्टी है, जो चाहता है वो होता है, ये आजाद मुल्क है, सब अपनी मनमानी मस्त रहते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आएगा अपना अपना काम कर रहे हैं, वादे करके जाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब ऐसा का ऐसा ही रहता है। पूरे नहीं होते कभी, कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार आए, कुछ भी नहीं करते, वादे करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल, चाचा का कहना है कि वादे करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, कि जब भी चुनावी माहौल आता है तो नई जिंदगी की बात होती है। चुनावी माहौल के जाते ही बड़े मुश्किल में होते हैं दिन, और बड़ी जद्दोजहद में रात होती है। गर्मियों में भट्टी की तरह तपता है घर मेरा, और मुश्किल में आ जाता हूँ जब छत पर बरसात होती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। टोंक की जनता हमसे अलग अलग बातें लेकर हमसे बात कर रही है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसका मिजाज क्या है। आप देख सकते हैं, ये काफिला बाजार की एक तस्वीर और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लोग मजमों में इकट्ठा होना लग जाते हैं शाम होने के बाद, और देर रात तक ये दौर चलता है। इसी दौर के बीच में चर्चाओं का भी दौर चलता है, चाय चलती है, खासतौर पर गुड़ की जलेबियाँ चलती हैं, और लोग चर्चा करते हैं। विश्व स्तर की चर्चा होती है, देश स्तर की चर्चा होती है, प्रदेश स्तर की चर्चा होती है। और आप देख सकते हैं, इस तरफ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये भगोने, जो गर्म भगोने आप देख पा रहे हैं, ये चढ़ जाते हैं शाम होने के बाद से ही, भगोने चढ़ने लगते हैं और चाय उबलने लगती है। जिस तरह राजनीति में इस वक्त उबाल आया हुआ है, ठीक वैसे यहाँ की चाय का उबाल रहता है। चाय की चुस्कियों के साथ शुरू होती है यहाँ की महफिलें, काफिला बाजार की महफिलें, जो देर रात तक चलती हैं।
आप देख सकते हैं उधर भी लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए आनंद लेते हैं और चर्चाओं का दौर भी गर्म रहता है। एक नागरिक हमारे साथ है यहाँ के, सर आपसे जानेंगे लोकसभा चुनाव अभी आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह लग रहा है आपको कि किसको जीतना चाहिए, क्यों जीतना चाहिए? साहब जो यहाँ का अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव का चर्चा में, अभी नाम तो डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन जो इस सरकार ने जो काम करे हैं अब तक चल रहे हैं, इस हिसाब से तो कांग्रेस सरकार को ही जीतना चाहिए, कांग्रेस सरकार को ही जिताना चाहिए। यूं के हमारे यहाँ सचिन पायलट जीत चुके हैं पहले, और अभी जो भी कांग्रेस ही आएगा तो हम कांग्रेस को जिताना चाहेंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं आप? जी हाँ जी, कड़ी से कड़ी ये है कि राजस्थान सरकार जो है कांग्रेस की है, इसलिए हम नेशनल में भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। चलिए, ये कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं, इनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ये चाहते हैं कि सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार हो, इसके लिए ये लोग कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के लिए बात करते हैं, कुछ कांग्रेस की बात करते हैं, सबका कमोबेश यही कहना है कि जो काम करेगा वो विजयश्री हासिल करेगा। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर लोग बैठते हैं और चर्चाएँ होती हैं, और उन्हीं चर्चाओं के बीच हम पहुंचे हैं यहाँ टोंक में, कुछ लोग और हमारे साथ हैं। सर आपसे जानेंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, 5 साल का आपने पिछली सरकार का कार्यकाल भी देखा है, कितना नंबर देते हैं पिछले कार्यकाल को और आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? पिछले कार्यकाल को कितने नंबर देते हैं? अगर सर नंबर ही होते उनके पास तो गवर्नमेंट जाती नहीं ना उनकी, उनमें कुछ कमियाँ जब तो गई ना। सेंटर में अब क्या क्या सोच रहे हैं? सेंटर में सर वोटरों के नाते सर हम इस बार का वोट तो केंद्र में सर मोदी जी को जाएगा हमारा वोट। ऐसा क्यों, सेंटर में मोदी जी को जाएगा और यहाँ हम कांग्रेस को देंगे, ऐसा क्यों है? सर हम इसलिए सर क्योंकि यहाँ तो क्या है कि सर यहाँ का हमारा वोट या राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट था, राजस्थान दे दिया, अब केंद्र के लिए इम्पोर्टेंट हुआ देंगे सर। ये बड़ी बात है, इनका कहना है कि सेंटर में ये मोदी को वापस रिपीट करना चाहते हैं, प्रदेश में ये कांग्रेस को वोट दे चुके हैं, जब विधानसभा चुनाव है इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और अब ये चाहते हैं कि मोदी रिपीट हों, आप क्या चाहते हैं इनसे पूछिए सर? आप चाहते तो होंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, बताइए क्या चाहते हैं? हम तो कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस चाहते हैं, चलिए ये कांग्रेस चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस ही है साहब, पक्का है, सेंटर से भी कांग्रेस ही है। क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह ये है साहब कि मोदी ने क्या किया है सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान जानता है, और अभी कल जो काम हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, मोदी की मौजूदगी में हुआ है, यही है बात, और कोई बात नहीं है, वजह यही है। पुलवामा हमले की बात कर रहे हैं? जी जी, पुलवामा हमले की बात कर रहा हूँ मैं, ये मोदी जी के होते साथ हुआ ये काम, अब ये कोई एक्शन नहीं ले रहे तो इसलिए। मोदी जी ने अभी कहा है कुछ देर पहले ही कि वो एक्शन लेंगे और जिन्होंने ये किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 4 साल से आज तक तो कोई एक्शन लिया नहीं, अब क्या एक्शन लेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कुछ नहीं हुई। चलिए, इनका कहना है कि कोई काम केंद्र सरकार ने नहीं किया है, लिहाजा अब ये कांग्रेस को ही कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस है तो ये सेंटर में भी कांग्रेस चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस को दिया लेकिन सेंटर में वो मोदी को वोट देंगे, ये इनका कहना है। हम आगे और बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टोंक क्या चाहता है, क्या मूड है टोंक का, ये सब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आगे हम और लोगों से भी रायशुमारी करेंगे, जानेंगे और लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। यहाँ कुछ यूथ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और पिछला कार्यकाल आप देख ही चुके हैं, जी जी, क्या लग रहा है अभी, क्या सिनेरियो चल रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर? अब कांग्रेस के लिए चल रहा है सारा। ऐसा क्यों है? अब क्या है, पिछली बार बहुत परेशान रहे हम बीजेपी से। क्या क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है साहब, हर चीज़ की, कोई काम नहीं हो पाया यहाँ कुछ भी, ना कोई विकास का कोई काम हुआ, किसी भी चीज़ के लिए कोई नहीं हुआ। देखिए काफिला बाजार में यहाँ पर ये लोग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, आप क्या चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? जी मैं सबसे पहले तो मैं जो अभी जो आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे देश के नौजवान शहीद हुए हैं 45 जने, उसका पूरा टोक हम निंदा करते हैं, इसके बाद क्यों हम लेकर निंदा करते हैं साहब। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जौनपुरिया जी अभी वर्तमान के अंदर सांसद हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करवाया पिछले 5 साल के अंदर, सिवाय हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया। हम ये चाहते हैं कि कितने दंगे हो गए टोंक में अब तक? तकरीबन 5 साल के अंदर ये देख लीजिए आप कि मालपुरा के अंदर जो एक दंगा हुआ उसमें भी अहम रोल रहा जौनपुरिया जी का, पुरानी टोंक और भी हमारी शाही मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर जो पथराव हुआ उनमें भी एक वो सांसद खुद मौजूद थे वहाँ पर पथराव के अंदर। तो कुल मिला के ये बात है कि ये इनसे सरकार नहीं चल रही है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम। मोदी को नहीं चाहते?
बिल्कुल मोदी को नहीं चाहते। चलिए, इन सब का कहना है कि बदलाव चाहते हैं सेंटर में और स्टेट की कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात है। कुछ पक्षधर हैं जो ये कहते हैं कि भले ही स्टेट में सरकार कांग्रेस की हो लेकिन वोट सेंटर में उनका मोदी को जाएगा, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी नहीं, इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। क्या और मूड है टोंक की जनता का? कहता है वोटर में, हम जान रहे हैं टोंक की जनता का मिजाज लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है टोंक की जनता। आइए हम चलते हैं, एक यहाँ के सज्जन हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरफ देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? मुन्ना खान केसरी बोल रहा हूँ मैं। लोकसभा चुनाव के अंदर जो हालिया सरकार है, इसने जो गरीबों को तंगी दी है, मुसीबत दी है, लाइन में लगाया है, ये हरती हुई दिख रही है, बुरी तरह हरती हुई दिख रही है। मगर दुख इस बात का है, हमें आप अगर कहें तो बोलें, रात को जो हादसा हुआ है ये बहुत खतरनाक हुआ है देश के लिए, उससे हमारा बहुत दिल टूटा है। और अगर ये प्रधानमंत्री जिन्होंने पहले स्पीच दी थी कि 56 इंच का सीना है, वो साहब हमारे नौजवानों के सर काट के ले जाते हैं पाकिस्तानी, और ये कुछ नहीं कर पाती मनमोहन सरकार, आज वो कहाँ हैं उनके बोल? आज उनको चाहिए कि फ़ोन बदला ले। और अगर फौज के साथ हम पब्लिक साथ है, मुन्ना खान केजी कह रहा है कि अगर टोक से बुलाएंगे 5000 लोग हम जाएंगे फौजियों के लिए, 5000 लोग हम जाएंगे इस देश के नौजवानों को बचाने के लिए। इस देश में हम पैदा हुए हैं, ये मुल्क हमारा है, वो इस मुल्क के लिए हम उसके सम्मान के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे, और उसके लिए कोई भी आड़े आएगा तो हम तैयार हैं। सरकार बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार बदलना चाहते हैं, नहीं तो बदला ले। सरकार बदल देंगे अगर बदला नहीं लिया गया? ये बड़ा सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, ये इनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और काफिला बाजार में आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है टोंक। ये युवा हमारे साथ है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं अभी, क्या लग रहा है कौन सी सरकार बनेगी? पंजा। चलिए, ये भी पंजे के समर्थक हैं। और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम कि आखिर टोंक की जनता क्या कहती है। हर जगह हर दुकान पर ये माहौल है, लोग चर्चाएं करते रहते हैं, चर्चाओं का विषय जो रहता है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक रहता है, और हर मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर होती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव अभी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार रिपीट होगी, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। अभी मोदी सरकार 5 साल रही है, क्या देखा आपने, क्या खामी पाई? बहुत कुछ देखा हमने, नोटबंदी देखी, परेशानियाँ कई आई हैं सामने, हमने नहीं चाहते बीजेपी सरकार आए। अच्छा, आप नहीं चाहते? चल, इनका कहना है कि इन्होंने बहुत कुछ देखा, नोटबंदी देखी, कई परेशानियां देखी, बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, जो आता है वादे करता है चला जाता है, चुनाव आते हैं उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं, कोई उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, 5 साल इंतजार लोगों के हक में रह जाता है जो हर बार बना रहता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बनना चाहिए सरकार। क्यों बननी चाहिए कांग्रेस सरकार? कांग्रेस ने सब काम अच्छे करे, जैसे कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं करा जिससे जनता परेशान होए। अच्छा, टोंक का पिछले 50 साल में जो हाल था, कमोबेश वही हाल है? नहीं, वही हाल है सर, हाल तो वही है, मामूली सुधार है बस, बाकी हाल तो वही है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा करेगी? नहीं, कांग्रेस के राज में कभी इतना दुखी नहीं हुआ जितना बीजेपी के राज में हुआ है। विकास तो अभी भी नहीं हुआ टोंक का? हाँ, विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन अब देखते हैं ये सरकार आई ये विकास करती है नहीं करती है। लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है, आपको लगता है कि सरकार बदलेगी तो अच्छा काम हो पाएगा? हाँ, लगता है हमें। चलिए, इनका कहना है कि सरकार अगर बदलेगी तो शायद अच्छा काम हो पाएगा, अभी तक टोंक का विकास नहीं हो पाया, 70 साल से अधिक हो गया अलग अलग लोगों को वोट देते हुए, लेकिन वोट है कि ऐसे ही गड्ढे में चला जाता है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पाता, जनता इंतजार करती रहती है, चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते। एक और भाई हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, हम यही सोचते हैं कि यहाँ की जनता एक चुनाव के लिए, यहाँ के जो माहौल है वो ठीक भी नहीं है, जैसा कि रोड कंस्ट्रक्शन, ये जो इसके जो वादे कर रहे थे अभी तक पूरे नहीं किए गए, पानी की निकासी इसका नहीं हो रहा, और रेल का जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। टोंक पिछले कई दशकों से यही सब समस्याएं झेलता रहा है? यस सर, बिल्कुल, जंगे गड्ढे,
आम जनता को परेशानी सारी चीजें ये भुगतता आ रहा है। इस बीच सेंटर में कई सरकारें आई गई, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, इन्हें कुछ भी नहीं करा, अपना काम करा और चल गए। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, क्या हो? इस बार विकास अच्छा हो, रोड अच्छे हो, पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, ट्रेन आनी चाहिए जिससे रोजगार अच्छा हो, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जिससे के बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ना आए, लोग जाने टॉप को ऐतिहासिक नगरी है। तो चुनाव में इस बार किस तरफ आपका मत जाएगा? हमारा कांग्रेस की ओर। चलिए, ये इनका कहना है कि अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन वोट ये कांग्रेस को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काफिला बाजार का हाल, क्या लोग सोचते हैं, क्या कुछ और कहते हैं लोग, उन सब तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये एक सज्जन और हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं जी, और आपकी धड़कनें भी शायद बढ़ रही होंगी क्योंकि यूथ हैं आप और यूथ देश को बदलता है, उसकी दिशा बिल्कुल बदलता है। बिल्कुल, क्या सोच रहे चल रहा है यार टीवी पे जाकर? भाई सबसे बड़ी सोच जो है ना हमारे लिए, सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है, यानी सबसे बड़ी जो हमारी परेशानी है, जो मुसीबत कहें, जो आशंका, मतलब सबसे बड़ी जो हमारी उस वक्त है रोजगार की। जितने यहाँ नौजवान मौजूद है ना, इनमें से 100 में से 10 ही ऐसे होंगे जिनकी गवर्नमेंट सरमेंट नौकरी के अलावा या जिनकी तिजारत खाना अच्छा हो उनके अलावा 100 रुपये या 200 रुपये मुश्किल से कमाते हों। तो सबसे बड़ा काम जो है हमें जो है रोज़गार चाहिए इस वक्त, और रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए हमें ट्रेन चाहिए, और ट्रेन के लिए, ट्रेन के साथ साथ हमें हर ए सी कंपनी चाहिए, टोक के अंदर फैक्ट्री चाहिए जिनसे जो है रोज़गार पैदा हो, कम से कम 300 रुपये 350 रुपये एक बंदा जो है दिन भर में कमाए, या फिर जयपुर हम जाके वर्क कर सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। अगर हम जयपुर कमाने जाते हैं तो उसमें हमारा 300 रुपये खर्च हो जाते हैं, किराया बसों को बढ़ावा है, ठीक है, जीपों से जाते हैं लटक लटक के, तो हमारे लिए परेशानी है। तो हम इस वक्त ये चाहते हैं कि एक तो ट्रेन हमारे यहाँ पर आए और फैक्ट्री हमारे डले, हमारी रोज़गार बढ़े, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में आए हो चाहे वो बीजेपी की हो, लेकिन इस वक्त जो हमारा समर्थन है वो कांग्रेस को है। चलिए, इनका कहना है कि सरकार कोई भी आए लेकिन विकास होना चाहिए, समर्थन जरूर कांग्रेस को दे रहे हैं, परंपरागत वोट जो है वो डाइवर्ट नहीं होते हैं, और उसी में लोगों का कहना यह है कि विकास अभी तक नहीं हो पाया लेकिन वोट जो है वो उन्हीं को दिया जाएगा जो परंपरागत लोगों के वोट हैं, ऐसा मिजाज टोंक का फिलहाल बना हुआ है। काफिला बाजार में और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, कहता है वोटर में, लेकिन क्या कहता है वोटर, हम जान रहे हैं टोंक में। और टोंक के एक दूसरे हिस्से में आकर हम यहाँ पहुँचे हैं, आप देखिए यहाँ पर लोग मूंगफलियों का आनंद ले रहे हैं, गर्म गजक का आनंद ले रहे हैं। टोंक का अपना एक अलग माहौल है जो शाम के टाइम यहाँ पर पूरे शबाब पर होता है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जी जी जी, क्या सोच रहे हैं? भाई देखो ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम तो टोंक के अंदर विकास चाहते हैं, हमारा टोंक का विकास होना चाहिए, और हमारे टोंक के अंदर हम उसी को वोट देंगे जो अच्छा कार्य करेगा, अच्छी टोंक की सेवा करेगा, और धर्म के अंदर किसी को लड़ाएगा नहीं, आपस में हिंदू और मुसलमान को एकता से रखेगा, उसी को वोट देंगे और इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये कहने के पूरे नाप तोल कर जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम नवाबी शाही खानदान से बोल रहे हैं और हम नवाबी परिवार से हैं, हम हिंदू और मुस्लिम एकता चाहते हैं, वोट उसी को देंगे जो हमारे टोंक का विकास करेगा, हमारे हिंदुस्तान का विकास करेगा। जय हिंद जय हिंद। बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि नाप तोल कर वोट देंगे। भैया आप यहाँ मूंगफली बेचते रहते हैं, गजक बेचते हैं, तमाम लोग आपके पास यहाँ आते होंगे, क्या मिजाज लग रहा है टोंक का? टोंक का मिजाज तो वो अभी बोल के गए भाई साहब, वो बिल्कुल सही बोल के गए। आप क्या क्या मिजाज लग रहा है? मिजाज में मैं क्या बताऊँ, जो जनता चाहेगी वो होगा। आप क्या चाहते हो? हम तो विकास चाहते हैं शहर का, शहर का और देश का विकास चाहते हैं। अच्छा, जो पार्टी विकास करेगी हम उसके साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कांग्रेस और बीजेपी से, हम तो विकास चाहते हैं सर, विकास चाहते हैं। आप वोट देने जाते हो? नहीं जाते, उम्र कम है। चलिए, इनका कहना है कि जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और कुछ लोग इधर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं जो टोंक का विकास करे, टोंक को रेल से जोड़ सके, आने वाला टाइम जो है यहाँ बेरोजगारी तादाद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारे भाई लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, बाहर जाते हैं कमाने, जयपुर कोटा कहीं भी, जहाँ जिसको जहाँ मजदूरी मिलती चला जाता है, क्या करें, अपना शहर छोड़ के दूसरे वतन में जाना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी चीज़ है, टोंक के लोग ज़्यादातर अरब कंट्रीज में जा रहे हैं। यही दिक्कत है सबसे बड़ी। अब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया तो है ही नहीं, बड़े बड़े उद्योग हैं, कपड़ा व्यापार हो, शुगर हो वगैरह हो, फैक्ट्रियों, ये मजदूर जितने बेचारे फालतू हैं, ये जो है काम पे लग जाए। हमारे जो पर जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट साहब, उनसे हमारा अनुरोध है हाथ जोड़ कर कि टोंक के। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि टोंक के अंदर लोकसभा जो चुनाव के अंदर आएंगे, तो ऐसा नेता जो हमें मिले जो यहाँ पर शांति रखे, आपसी मतभेद ना बढ़ाए,
ना किसी को लड़ाए ना झगड़ा करे और विकास के ऊपर उसकी नज़र हो, क्योंकि हम एचएम विवाद के अंदर बहुत हमारा पूरा देश जल चुका है और देश आगे भी जल रहा है, लेकिन ऐसे नेता न तो यहाँ पर आए न पूरे देश के अंदर आए। मेरा पूरे देशवासियों से इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि देश के अंदर लड़ाने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें विकास करने वाला नेता चाहिए। लड़ाने वाला नहीं, विकास करने वाला नेता चाहिए। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, युवा होने के नाते आपका वोटर, दिल का जो वोटर है वो क्या कह रहा है? मेरे दिल का जो वोटर है वो ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है सिर्फ हम उसी को देख के वोट देंगे, क्योंकि भारत की जो जनता है उसने सारी चीज़ें देख ली हैं, मोदी जी के वादे भी उसने देख लिए हैं। रोज़गार के ऊपर जो युवाओं ने वोट दिया था मोदी जी को, वो सिर्फ दिया था रोज़गार के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। 2 करोड़ का रोज़गार का वादा झूठा निकला, देश को फिर वही देखने को मिले दंगे, सद्भावना जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ युवा जो देख रहा है, मुद्दा देख रहा है डेवलपमेंट का, रोज़गार का। जैसे कि आप टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर खड़े हैं, तो यहाँ पे जो पूर्व सांसद हैं 2000 करोड़ का बजट उनके बैनरों में लगा है सड़कों के लिए, और आप शहर की सड़कों की हालत देख सकते हैं। तो हम जो अब वोट देगा युवा, वो देगा सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर। रोजगार की क्या स्थिति रही है? रोजगार की स्थिति ये रही है कि सर जो पहले था वो भी GST से, इससे जो छोटे मोटे धंधे थे उन पर टैक्स इतना बड़ा दिया गया कि वो भी ख़त्म हो गए। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब थी उनमें भी कोई नई वैकेंसी देखने को हमें नहीं मिली, तो रोजगार की हालत तो बिल्कुल नील बटा नील है, हम ये कहना चाहेंगे। चलिए, रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है, परिवर्तन लोग चाहते हैं, नाप तोल कर वोट देंगे चाहे कोई कुछ भी लुभावने वादे करे। अब जनता वादों में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि जनता नापना सीख गई है, जनता तोलना सीख गई है, जनता बोलना सीख गई है। इसलिए कहता है वोटर कि वो जब वोट देगा तो दशा भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगा। और जो ये गुमान पाले बैठे हों कि सिर्फ उन्हीं को वोट मिलेगा, तो वो गफलत में जी रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे साथी कैमरामैन घनश्याम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।